सुबह 6 बजे हम निकले थे विजय विलास के लिए, जो मांडवी बीच से 7 किलोमीटर दूर है। तो अभी गाइस हम आए हैं यहाँ पर विजय विलास पैलेस। अभी आप देख सकते हो ये। और टिकट की बात करूँ तो इसकी प्राइस 70 रुपए है, जिसमें आप पूरा पैलेस आराम से घूम सकते हैं। और इसे बनने में करीब 10 साल लगे थे, 1920 से लेकर 1929 तक। और इसे महाराव खेंगर जी द्वारा बनवाया गया था उनके बेटे विजय के लिए, और उनके नाम पर ही इस पैलेस का नाम पड़ा विजय विलास पैलेस, जो देखने में काफ़ी शानदार है। और इस शानदार महल को बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे काफ़ी एनिमल के स्ट्रक्चर रखे गए हैं, जिनका राजा द्वारा शिकार किया गया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं राजा महाराव जी के जमाने की चीजें। आओ मैं आपको मेरा कमरा दिखाता हूँ, जो यहाँ मैं पहले यहाँ रहता था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी इसको हॉल में शिफ्ट किया गया है, यहाँ से मेरा बेड हटा दिया गया। खोपड़ी तोड़ साली। और यहाँ पर काफी राजा महाराजों के जमाने के फर्नीचर रखे गए हैं, जो कि काफी संभाल कर रखे गए। तो ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ देखने के बाद हम चले ऊपर की ओर। और जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे, आपको छतरी के आकार के काफी सुंदर बालकनी देखने मिलेगी। यहाँ से व्यू काफी मस्त आता है, लोग यहाँ खड़े होके अपना व्यू देखते हैं। यहाँ पर हम दिल दे चुके सनम, लगान, कमांडो जैसी हिट मूवीज की शूटिंग हुई है। और जब हम टॉप पे गए तो वहां से व्यू कुछ ऐसा था, जहां पर काफी लोग फोटो शूट और वीडियो शूट कर रहे थे। और इस ऊंचाई से मांडी बीच भी काफी सुंदर दिखता है। इस तोप के गोले की तरह आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर हमला करते हैं। ये था हमारा विजय विलास का व्लॉग, और आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी यहाँ पे भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पर अभी फिलहाल हम निकलते हैं आगे, क्योंकि हमें आगे भी कहीं और जाना है। अम्बेधाम की सोच रहे हैं, अब यहाँ से नजीक है तो चलते हैं गोधरा अम्बेधाम। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय।